राजस्थान में मची सियासी खींचतान से हर कोई अच्छे से वाकिफ है। तो अब एक बार फिर से दिवाली के बाद राजस्थान में सियासी बम फूट सकता है। प्रदेश कांग्रेस की सियासत पर होने वाले फैसलों पर एक सप्ताह का समय और बढ़ गया है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र उनको 26 अक्टूबर को मिलेगा। इसको लेकर दिल्ली में एक बड़े आयोजन की तैयारी भी चल रही है। खड़गे के अधिकृत तौर पर कुर्सी संभालने के बाद ही राज्य के विषय को लेकर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। अनुशासन समिति भी अपनी रिपोर्ट इसके बाद ही सौंपेगी। सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही पूरी रिपोर्ट दी थी। 25 सितंबर को जयपुर में जो भी घटनाक्रम हुआ उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही अनुशासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किया था। तीनों ही नेता इसको लेकर अपना जवाब पार्टी को भेज चुके हैं। अब अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे को ही फैसला करना है। दरअसल नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने यहां तीनों नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं। मदेरणा ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब दुनिया के रंग है बेरंग लौटाने वाले रंगीन फूलों के गुलदस्ता देते हुए ये सर्वोच्च अवसरवाद। गत 25 सितंबर को विधायकों से राय शुमारी करने प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ वरिष्ठ नेता खड़गे भी बतौर पर्यवेक्षक यहां आए। इसको लेकर भी दिव्या ने लिखा था कि समय का फेर देखिए, खड़गे के बुलाने पर ये मिलने भी नहीं आए और अब तीनों इन्हें बधाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।